हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लौकी कोफ्ता करी, किस तरह से बनाई जाती है। आइए देखते हैं घिया के ये कोफ्ते बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये आधा किलो फ्रेश ताज़ी घिया हमने अच्छे से धो के पील करके और इसको हमने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद में इसका पानी अच्छे तरह से निचोड़ देंगे। हम यहाँ पे अंदाज के अनुसार बेसन का यूज करेंगे कोफ्ते के अंदर बाइंडिंग के लिए। छौंकने के लिए रिफाइंड ऑयल और तलने के लिए कसूरी मेथी एक छोटा चम्मच, नमक, हल्दी, आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, जीरा, हींग और ये लास्ट में गरम मसाला पाउडर। वेजिटेबल्स में हमने एक प्याज को मोटे टुकड़ों में काट लिया है ग्रेवी के लिए और दो से बड़े तीन मीडियम साइज के टमाटर, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, दो बेलीव्स, दो या इस एक आप इसमें चिली फ्लेक डाल सकते हैं, इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, दो हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, कोफ्ते के अंदर डालने के लिए एक बारीक कटा हुआ प्याज और ये हरा धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लौकी का एक्सेस पानी जो है ये निकाल लेना है। अगर आप इस पानी को रिमूव नहीं करेंगे तो आपके कोफ्ते जो हैं बहुत ही ज़्यादा ढीले और लूज बनेंगे। तो ये इसका एक्सेस वाटर इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये इतना पानी हमारी घिया में से अलग हो गया है, इसे वेस्ट ना करें, आटा गूंदने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ हमने घिया को दोबारा से बाउल में डाल लिया है और अब हम इसमें अंदाज अनुसार 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने से इसका टेस्ट बहुत ही डिलिशियस आता है और थोड़ा सा हमने इसमें बारीक ये ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्ची डालनी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि ग्रेवी में भी हमें नमक डालना है। यहाँ हमने 1/2 टीस्पून नमक डाला है और ये 1/2 टीस्पून से कम 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, क्योंकि इसमें हरी मिर्च पहले से ही है इसलिए हम इसमें कम लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली, बहुत ही मामूली सी पिंच हमने हल्दी डाली है अच्छा कलर देने के लिए, और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को हम बाइंड करते हुए और पकौड़े का मिश्रण बना लेंगे। ये मिश्रण हमने मिक्स कर लिया है और हम इसमें थोड़ा बेसन और डालेंगे ताकि हमारे पकौड़े के बॉल्स जो हैं ये काफ़ी स्टिफ बन पाए। तो ये अंदाज अनुसार हमने 3 चम्मच पहले डाला था और 2 चम्मच बाद में, 5 चम्मच बेसन का टोटल यूज़ करना है। और अब हम इसे दोबारा मिक्स करके पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। एक तरफ हमने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल को गर्म करने रख दिया है। ये देखिए, ये हमारा बैटर काफ़ी थिक है, हमें थिक कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अगर आपका और भी ढीला हो तो आप इसमें और भी बेसन को मिला सकते हैं। पकोड़े तलने से पहले एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेंगे। पानी में हाथ को हर बार डिप करेंगे। इस तरह से बेसन को उठाएंगे, एक बॉल बनाएंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये इस तरह से हमारा तेल बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सावधानी बरतते हुए हम इसमें सभी पकौड़ों को छोड़ेंगे। पानी में हाथ डिप करने से बेसन को छोड़ने में आसानी होती है, तो ये ट्रिक आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें। एक बार में हमने 4 से 5 कोफ्ते डालने हैं और इन्हें हल्की आंच पर गोल्डन होने तक के लिए फ्राई करेंगे इस तरह से। इन्हें अब हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है निकल जाए। और बहुत ही अच्छे से हमने इनको अंदर तक डीप फ्राई कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 1/2 किलो घिया के अंदर यहाँ हमने 9 कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम यहाँ
प्याज और टमाटर हरी मिर्च अदरक को मिला करके बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, तो चलिए कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को हीट कर लेंगे और उसमें अंदाज अनुसार 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। उसके बाद डालेंगे तेज पत्ता, अब डालेंगे इसमें हींग, 1 पिंच हमने हींग डाली है, 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा पक चुका है और अब हम इसमें, ये ऑप्शनल है, देगी मिर्च को ऐड करना, इससे कोफ्ते की ग्रेवी को बहुत ही अच्छा कलर मिलता है। ये आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये हम 1/2 टीस्पून जितनी देगी मिर्च डालेंगे और देगी मिर्च को डालते के साथ में ही हम टमाटर प्याज की ग्रेवी को ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ अदरक, अच्छे से मिलाएंगे। हमने नमक पहले ही हमारे कोफ्ते में डाल रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट नमक डालेंगे। यहाँ हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक और डाल रहे हैं और 1/2 टीस्पून हमने पहले डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया से ग्रेवी को थिकनेस मिलती है, आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इस ग्रेवी को ढक करके पकने देंगे जब तक हमारी ग्रेवी ऑयल सेपरेट ना कर दे। 2 से 3 मिनट के बाद में हम इसमें पानी डाल के फिर से पकाएंगे। ये ग्रेवी हमारी अब बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, ये हमने इसमें 1/2 ग्लास वाटर डाल लिया है। और पानी में अब हम डालेंगे, पानी में उबाल आने के बाद में हम इसमें कोफ्ते डाल के फिर से पकाएंगे। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ये हमारी ग्रेवी बॉयल हो चुकी है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको ग्रेवी में एब्जॉर्ब होने देंगे। और साथ ही में हम इसमें एंड में डालेंगे कसूरी मेथी और ढक के इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी कोफ्ता करी बनके बिल्कुल तैयार है और इसे आप ऊपर से गार्निश करने के लिए 1 चम्मच दही को अच्छे से फेंट कर इसके ऊपर इस तरह से भी घुमा के डाल सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।